और उधर मोनो भी लगभग तैयार हो ही चुका है और उसके बाद जितनी भी लेडीज हैं सभी लोग तैयार होकर के पहुंच गई है मरवा के पास। मारेगी तुमको भैया। तो अभी दोनों भाई वेट कर रहे हैं हल्दी चढ़ाने का, वहाँ पे हल्दी चढ़ रही है अभी। तो अभी होने वाला है जी हल्दी का समारोह, उसके लिए जो है सभी लोग पीले रंग का कपड़ा पहन रहे हैं। तो हमारे पास भी एक पीला रंग का कपड़ा था, हाल ही फिलहाल में खरीदे थे जब हम गए थे मथुरा और वृंदावन, उसी समय यह कपड़ा था राधे राधे वाला। तो यह कुर्ता जो है आज एक और ओकेजन पर काम दे गया। और उधर मोनू भी लगभग तैयार हो ही चुका है और उसके बाद जितनी भी लेडीज हैं सभी लोग तैयार होकर के पहुंच गई है मरवा के पास। मरवा क्या है जी? मरवा हम लोग बोलते हैं मंडप को, जो कि खर पतवार का बनता है, कुछ ही देर में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्रियांश भी तैयार हो चुका है, क्रियांश का लुक आपको दिखाते हैं, कुछ ऐसा लुक है क्रियांश हल्दी के लिए पहना है। इसको भी चाहिए था पीला रंग का कपड़ा है, लेकिन क्रियांश का जो अच्छा, लेकिन क्रियांश का जो नजारा है वो ज्यादातर उधर है, क्रियांश उधर जाना चाह रहा है। और यहाँ पर जी धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं, दोनों बरुआ भी आ चुके हैं जी, बरुआ बोल रहे हैं जिनका जन्म होने वाला है। तो वो दोनों बालक जो हैं अभी यहाँ पर खड़े हैं और पंडित जी के आने का इंतजार है, उसके बाद आगे की विधि होगी। तो सभी लोग जी यहाँ पर एक एक करके इकट्ठा हो रहे हैं और दोनों बरुआ जो है जा करके अपने मंडप पर बैठ चुके हैं और हमारे पंडित जी भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी दादी है और कहती है हम बूढ़ी हैं। ये मेरी भाभी है, बड़ी भाभी सबसे। अच्छा हाँ, इतनी छोटी तो वहाँ से कन्या है। हाँ इनको जानते हैं। वो बोला नमर उनसे से कन्या, इनको भी जानते हैं, इनसे हम पहले मिल चुके हैं। अच्छा अच्छा हाँ हाँ
अच्छा आपसे तो नहीं मिले लेकिन इनसे मिले हुए हैं पहले पूजा जी की शादी में। कितना बड़ा फैमिली है। हाँ बहुत बड़ा फैमिली। हमारा फैमिली भी इतना ही बड़ा है ना, सिसुआ का फैमिली, ससुराल का भी फैमिली इतना बड़ा है और मायका भी। कौन इनको जानते हैं। और ये हमारी मौसी जी। तो वहाँ पर भी सारी रस्में चल रही है और यहाँ दादी माँ आई हुई है, तो दादी माँ कहे कि हमारा भी कुछ फोटो वीडियो लेना चाहिए, है ना। तो दादी माँ का ले लेते हैं। और क्रियांश प्रियांश क्या कर रहे भैया, क्या कर रहे हो यहाँ पे आना था तुमको। तो अभी दोनों भाई वेट कर रहे हैं हल्दी चढ़ाने का, वहाँ पे हल्दी चढ़ रही है अभी। मारेगी तुमको भैया। हल्दी का तो रस्म हो गया जी और अब बारी है पेट पूजा की, तो सभी लोग चल रहे नीचे या चल करके सभी लोग खाना खाते हैं। चलो खा लिया ये।
केक बहुत पसंद है। मेरे हिस्से का केक इसको दे दो, हमको पसंद नहीं है। इसलिए केक को छोटी दी देंगे। कोई बात नहीं, वो चलेगा। सारा कुछ हो गया हमारा और हम लोग बैठ गए। हम और रितु बैठे हैं और इसका खाना बहुत ज़्यादा है, इतना सा खाती है। और ये हमारी आज की बर्थडे गर्ल। कंफ्यूज है रीमा कि क्या मैं बोलूं, है ना रीमा।